सो थैंक यू सो मच गाइज, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाई रखिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द डीआईवाई जुगाड़। और आज डेट है 23 दिसंबर 2017 और रात के करीब 2 बज रहे हैं। और आप पूछ रहे थे इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रही, एक तो मेरे एग्जाम्स थे और अभी भी मेरा बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल बिजी है, अब इतने सारे काम, एक महीने के पेंडिंग काम पड़े हैं जो मुझे निपटाने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। सो इस वीडियो में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी, सिर्फ मैं आपसे 2 बातें करूंगा। एक तो राइड की अनाउंसमेंट, सो अगर आपको डायरेक्ट राइड की जानकारी लेनी है तो आपको यहाँ स्क्रीन पर टाइम दिख रहा होगा, आप उस टाइम पर जाके देख सकते हैं और इस वीडियो को इतना पार्ट स्किप कर दीजिए। और अब आ जाते हैं दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मैं 17 दिसंबर को था दिल्ली में, करोल बाग शॉपिंग करा था अपनी राइड के लिए। सो अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपको यहाँ मेरा लिंक दिख रहा होगा इंस्टाग्राम, फॉलो करिए और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। सो चैनल मैंने स्टार्ट किया था 17 फेब को 2017 और 17 to 17, सो 11 मंथ्स में हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क गेन किया। मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपलोड की थी वो बहुत मजाक में की थी, टाइम पास के लिए, वो भी मेरे बोर्ड एग्जाम से पहले, 12th के बोर्ड एग्जाम्स। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा या कुछ भी ऐसा होगा, बस एक शौक में टाइम पास के लिए वीडियो थी वो। उस वीडियो पे इतना ही ज़्यादा मुझे प्यार मिला, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला आप लोगों का कि और रिक्वेस्ट आई कि हाँ और वीडियोज़ डालो। सो मैंने वीडियोज़ डालना शुरू किया। बीच में मेरा JEE का एग्ज़ाम भी आया और उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन भी लिया BTech में। सो इसीलिए वीडियोस पहले मैं 1 महीने में 1 डालता था, 2 महीने में 1 वीडियोस, फिर एंड में आते रहते। सितंबर में मैं रेगुलर हुआ, हर वीक में 1 वीडियो आने लग गई। सो आपका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद कि आपने 10,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क गेन करवाया है और इतना आपने प्यार शो किया अपना। और बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी कह सकते हैं, ये मैंने कि बहुत जल्दी किया या बहुत लेट किया, मुझे मैटर नहीं करता। और जैसे इनकम की बात की जाए तो अभी तक यूट्यूब से मुझे कुछ नहीं आया है इन कैश, सो इसीलिए। और गाइस 2-3 दिन में क्रिसमस भी, और इसी हफ्ते ये 2017 का साल ख़त्म हो जाएगा। और सबको मेरी क्रिसमस और हैप्पी 2018 न्यू ईयर। और बहुत सारे गोल्स हैं 2018 के लिए मेरे, और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें और इनोवेशंस करने वाला हूँ चैनल पे। और 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन होने पे मैंने कहा था गिव अवे भी करेंगे, सो गिव अवे की अनाउंसमेंट मैं आपको अगली 2-3 वीडियोज़ में कर दूंगा, और उसके साथ एक Q&A वीडियो की भी अनाउंसमेंट होगी, सो वो वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। सो इसलिए गाइस जो मैं राइड पे जा रहा हूँ उसमें मैं मोटो व्लॉग करूंगा प्रॉपर, मैंने कैमरा ले लिया, मेरे पास सेटअप ऑलमोस्ट हो गया, जुआडू सेटअप है प्रॉपर। सो आपके लिए मोटो व्लॉग्स आएंगे, सो आप ताकि थोड़ी बहुत ब्यूटी इन्जॉय कर सकें और व्लॉग्स देख सकें। सो आ जाते हैं मुद्दे पे, जो है हमारी राइड की बात। सो राइड स्टार्ट होगी लुधियाना से ऑन 24 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग। सो डेस्टिनेशन जो हमारी है बेसिकली, जहाँ जहाँ हमने जाना है वो है धर्मशाला मैक्लॉडगंज। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश में है जगह। और उसके बाद हमने जाना है डलहौजी और चंबा। सो मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स होंगे, अभी डिसाइडेड तो नहीं है कितने फ्रेंड्स होंगे, बट सो मैक्स टू मैक्स 4 होंगे और मिनिमम 2 होंगे, जिसमें एक मैं तो हूँ ही। और आगे मुझे काफ़ी सारे DM आ रहे थे कि क्या क्या मॉड्स कर रहे हो। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो जो मॉड करके जा रहा हूँ, अपनी मॉडिफिकेशन करके जा रहा हूँ अपनी स्कूटी पे राइड के लिए टूरिंग वाली, उसकी मैं कंबाइंड वीडियो बनाऊँ, तो मैं ऊपर यहाँ पे एक पोल क्रिएट कर दूंगा, आप उस पर येस या नो बता दीजिए। वैसे इंस्टॉलेशन तो सबकी बनी हुई है, फिर भी आपको एक ओवरव्यू वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बना दूंगा। सो गाइस जो हमारा रूट होगा वो होगा लुधियाना से पहले होशियारपुर, होशियारपुर में मुझे मेरे चंडीगढ़ वाले फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे, GRC गेयरलेस राइडर्स चंडीगढ़। सो होशियारपुर में ज्वाइन करने के बाद हम जाएंगे चिंतपूर्णी माता के, चिंतपूर्णी माता रास्ते में आते हैं, वो टेंपल है एक, अगर आपको वो भी नहीं पता आप सर्च कर लीजिए और मैं आपको प्रॉपर उसमें दिखाऊंगा वीडियो में। उसके बाद कांगड़ा और फिर धर्मशाला मैक्लॉडगंज, एक रात में हम धर्मशाला पहुँच जाएंगे, उसके बाद अगले दिन एक्सप्लोर करेंगे, तीसरे दिन निकलेंगे डलहौजी और चंबा के लिए, और 4th डे वहाँ एक्सप्लोर करके 5th डे वापस। सो कुछ ऐसा ही होगा, कुछ मेरे मतलब ऐसे टाइम लिमिट नहीं है मेरे पास, अभी 1 हफ्ता है। और अगर कोई भी मेरे से रास्ते में मिलना चाहता है तो मैं इंस्टाग्राम पे सारी अपनी स्टोरीज और सब कुछ अपडेट करता रहूँगा, सो साथ ही साथ ही लोकेशन भी, तो इसलिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। और कोई भी मुझसे मिलना चाहता है तो मुझे बेझिझक DM करिए। और आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बहुत ज़्यादा सिंपल वीडियो था और मैं इसको कम ही एडिट करूँगा और रो रखने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। और इससे अगली वीडियो भी टूरिंग ओरिएंटेड होगी तो उसको स्किप मत कीजिए, मॉडिफिकेशन ही है। टिल देन बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।